जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को दिवाली महापर्व की अग्रिम विशेष बधाई देता हूँ। ये दिवाली आप सभी के जीवन में नई खुशियों और नई उमंगों को लेके आए, आपकी सारी विपत्तियों का, आपके सारे दुखों का नाश हो, ताकि आपका जीवन शांति और सुखों के साथ बीते। आपको उतनी कामयाबी अपने जीवन में जरूर मिले जितना आप चाह रहे हैं, और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपने जीवन के कुछ पल देश के कामों में देते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से दिवाली महापर्व में कुछ विशेष चर्चा करने आया हूँ। आशा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ वैसी चीज बताऊं जो कि आपके काम की हो और आपके लिए ये दिवाली कुछ खास बन के उभरे। दोस्तों, दिवाली आने से एक खुशहाली का माहौल बन जाता है, चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण बन जाता है, लोगों के चेहरों पे मुस्कान दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दिवाली पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो कि सभी लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव को एक जो है आस्था के प्रतीक के लिए माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिवाली आप लोग कुछ ऐसा खास कीजिए जो कि समाज में एक एकता और भाईचारे का संदेश जाए। इस दिवाली कुछ अलग कीजिए ताकि ये दिवाली आप सभी के लिए कुछ खास हो। इस दिवाली जो हम लोगों को सबसे खास करना चाहिए वो ये है कि अपने घर के अलावे, मतलब अपने घर में तो हम दो से चार दिए जलाते हैं, उसके अलावे जो हमारे आसपास की मंदिर है वहां पे भी जाकर दो से चार दिए जरूर जलाइए, क्योंकि हमारा जीवन, समय और ज्ञान उस भगवान की देन है, उस परम पिता परमेश्वर की देन है। तो अगर उनका स्वागत आप इस दीपावली में उजालों से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन को वो कभी भी अंधेरों में नहीं भटकने देंगे, आपके जीवन को कभी भी वो दुखों के सागर में नहीं डूबने देंगे। इसके अलावा आप अपनी दिवाली अपने आसपास के गरीबों के साथ मनाइए। अगर आप सक्षम हैं तो उनके लिए कुछ मिठाई लेके जाइए, अगर आप सक्षम हैं तो उनके लिए कुछ कपड़े लेके जाइए। अगर आपके लिए नया कपड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आप सक्षम नहीं है तो आपके घर में जो पुराना कपड़ा है, पड़ा हुआ कपड़ा है, उसको भी साफ करवा के आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, पैसे देने के लिए सक्षम है, तो आप उनको कुछ मदद कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ खिलौने दे सकते हैं। यकीन मानिए, ये चीज अगर आप करेंगे तो वो आपकी इज्जत भगवान से कम नहीं करेगा, उनकी दिवाली भी फीकी नहीं होगी, और आपको जो अंदर से एक सुकून, एक शांति मिलेगी कि आपने आज किसी के साथ वाकई अच्छी दिवाली मनाई और आपके लिए वो दिन बहुत ही यादगार होगा। आपको शायद मालूम ही होगा कि दिवाली अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म, अनीति पर नीति, असुर पर देवता, असत्य पर सत्य की विजय के लिए प्रतीक के लिए माना जाता है। ये दिवाली कुछ ऐसी चीजों को सिखाता है जिसे इंसान अगर अपने जीवन में धारण करे तो वाकई उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये दिवाली आखिर मनाई क्यों जाती है। सबसे प्रचलित जो उदाहरण है वो ये है कि भगवान श्री राम रावण और लंका पर विजय पाकर समस्त संसार में एक नई कीर्ति को स्थापित किए, और जब वो अयोध्या वापस आ रहे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत खुशियों और दीप के साथ, उजालों के साथ करना चाहा। उस हर दिल में बसने वाले शरणार्थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वागत दीपों के साथ किया गया। उसी दिन से दिवाली जैसे महापर्व का शुभारंभ हुआ। दूसरा सबसे प्रचलित उदाहरण यह है कि जब भगवान नारायण ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप जैसे आतताई असुर का वध किया, जिससे प्रजा भय मुक्त हुई और प्रजा ने उस दिन घी के दिए जलाए और भगवान की शरण में जाना स्वीकार किया, भगवान का गुणगान किया, जिसके बाद से दीपावली महापर्व का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा एक सबसे बड़ा प्रचलित उदाहरण और भी है, वो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो वो दिन दीपावली के एक दिन पहले यानी चतुर्दशी का था, जिससे खुश होकर गोकुलवासियों ने अगले दिन यानी अमावस्या की रात को दिए जलाए थे, जिस दिन के बाद दीपावली महापर्व का आरंभ हुआ। आपको इन चीजों में सबसे एक कॉमन देखने को मिलेगा कि ये असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत है। इसीलिए हम लोगों को दीपावली से ये जरूर सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में केवल सच्चाई और केवल जो है सत्य को अपनाना चाहिए, जो धार्मिक माध्यम है, जो धर्म का रास्ता है, वही चुनना चाहिए। इसके अलावा दीपावली का और भी बहुत सारे महत्व है। दीपावली हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को, अपने समाज को अच्छा बना सके। दीपावली का सबसे बड़ा महत्व तब बढ़ जाता है जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, नजदीकी बढ़ती है अपने रिश्तेदारों में, हंसी मजाक होता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिससे आपसी संबंध जो है वो काफी मजबूत होता है।
एक चीज और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी है, हो सकता है कभी कभी अपनों से कुछ मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, अपने रिश्ते में कभी कभी दरार पैदा हो जाए। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस दिवाली आप उनको अपनी तरफ से बधाई जरूर दीजिए, क्योंकि बड़ा वो नहीं होता है कि जो दुश्मनी को या मतभेद को बढ़ावा दे, बड़ा वो होता है जो दूसरे की गलतियों को माफ कर दे। किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरा अगर अपनी नफरत को नहीं छोड़ता तो आपको भी अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा नफरत पे विजय पाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक प्रार्थना और भी करना चाहता हूँ कि इस दिवाली आप लोग खरीदारी वहीं से कीजिए जहाँ आपको सबसे पहले जरूरतमंद लोग कुछ बेचते हुए नजर आए। आप दिए, फूल, माला, मिठाई, कुछ भी ऐसे जगह से खरीदिए अगर आपको, जहाँ पे जरूरतमंद लोग पहले दिख रहे हैं उनसे ही खरीदिए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ खरीदारी के कारण उनकी कुछ बिक्री हो जाए, उनको कुछ ऐसा मुनाफा हो जिससे उनकी दिवाली भी अच्छे से बीते और आपके दिल में भी एक शांति और सुकून होगा कि आपका पैसा अच्छे जगह पे गया, आपने ऐसे जगह से खरीदारी की जिससे सामने वाले की भी दिवाली और सामने वाले की भी खुशी के कारण आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलता होगा कि आजकल पटाखों के ऊपर भगवान की बड़ी बड़ी कवर फोटो छपी रहती है। इस तरह के पटाखों को ना खरीदिए, और सबसे पहली बात इस तरह के पटाखों का विरोध कीजिए और दुकानदार को भी हिदायत कीजिए, क्योंकि इस तरह के पटाखों को बेचना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी चीज, साफ सफाई के दौरान आपके घर में कुछ पुरानी मूर्ति, कुछ भगवान की फोटो जो निकलती है उसको इधर उधर ना फेंक के उसको विसर्जित कीजिए, ताकि भगवान की आस्था को कोई ठेस ना लगे। यकीन मानिए, आप थोड़ा सा चेंजिंग इस दिवाली कीजिए, ये दिवाली आपके लिए कुछ खास होगी और दिवाली के दिन आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं देश के लिए ऐसे ही ऐसे वीडियो आपके बीच लाता रहूं और आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी तरह बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।